पाप कितना भी बलवान क्यों ना हो, अंत में जीत सच की ही होती है। हैं? एक बार और सुनना तो क्या? पाप कितना भी बलवान क्यों ना हो, अंत में जीत सच की ही होती है। क्या? पाप कितना भी बलवान क्यों ना हो, अंत में जीत तो पुण्य की होती है। नहीं नहीं, सच की होती भाई। नए नए सनातनी बने मनोज मुंतशिर जी ने ही लिखा है ना डायलॉग। भाई पता नहीं ये लोग क्या करना चाहते हैं, डायलॉग्स भी आड़े तिरछे लिखे जा रहे हैं। विजुअल को तो भाई ब्राइटनेस बढ़ाते बढ़ाते मैं थक गया भाई ट्रेलर 2 को देखते हुए। फाइनल ट्रेलर जिसका नाम दिया गया भाई, ब्राइटनेस मेरे को 100% 80% करना पड़ जा रहा है, फिर भी अंधेरा ही दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है। भाई ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि वहाँ मानसून का सीजन चल रहा है, लंका में युद्ध कर रहे हैं तो भाई अंधेरा ही है, अंधेरा ही है। रात में युद्ध चल रहा है क्या? पता नहीं कहाँ सूर्यदेव कहाँ छिप गए हैं, कि पता नहीं लोग ब्राइटनेस को भी दिखा नहीं रहे कि 3D विजुअल के लिए बचा। भाई कौन सा ट्रेलर रिलीज कर रहे हो आप जिसमें आप इतना डार्क सब जगह डार्क। हनुमान जी बस दिख रहे हैं, राम जी बस दिख रहे हैं, बाकी सब बंदर भालू की तरह दिख ही रहे हैं। और जो गाना में आया था जय श्री राम में, उसमें देखो सुग्रीव जी को ऐसा टीका लगाते हैं, कौन? हमारे प्रभास, मतलब राम भगवान जी तो टीका लगाते हैं। तो क्या भाई बंदर गोरिल्ला है वो, किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडज़िला थोड़ी चल रहे हैं यहाँ पे, रामायण चल रहा है। तो सुग्रीव ऐसे चिंपांजी की तरह था, और मतलब सोच रहे हो चिंपांजी की तरह था ना, उसमें कोई व्यवहार था ना, उसमें कोई मतलब वो मुकुट नहीं पहना, वो कवच कुंडल वस्त्र वो तो छोड़ो, क्योंकि गोरिल्ला है ना भाई, तो गोरिल्ला है तो उसकी सेवा करते थे हनुमान जी उसके मंत्री बन के। तो भाई कुछ लॉजिक तो लगा लो। और यहाँ दशानन रावण मतलब खिलजी का जो लुक है लास्ट में रिवील होते होते रोक दिया जाता, क्यों? क्योंकि अगर वो लुक रिवील हो जाता ना भाई, यहीं पे जो है पिक्चर डिजास्टर होती। हालांकि डिजास्टर होने वाली है, मुझे मेरे तो लिख के ले लो कि कोई सनातनी इस पिक्चर को तो कभी देख ही नहीं पाएगा भाई, ये मूवी झेल ही नहीं पाएगा। तो देखता हूँ, मतलब लोग कह रहे हैं कि पहला दिन 500 करोड़ कमाएगी, ओपनिंग लेगी पहले दिन 500 करोड़ आदिपुरुष। मैं बता रहा हूँ भाई, प्रभास के करियर के बेस्ट वर्स्ट डिजास्टर मूवी साबित होने वाली है, लिख के ले लो ये मूवी। भाई क्या ट्रेलर दिखाओगे यार तुम, क्या दिखाओगे? वही सीन्स को बार बार रिपीटेड करके प्रभास का एक्सप्रेशनलेस चेहरा देख देख के बोर हो चुके हैं, हनुमान जी के नाम पर मौलाना देख देख के बोर हो चुके हैं, सैफ अली खान तो मौलाना है ही, लेकिन वही बात है उनका लुक रिवील होने नहीं दिया जा रहा है। गेम ऑफ थ्रोन्स वाला चमगादड़ गायब कर दिया गया है। ट्रेलर में सबसे पहले उस सीन को डाला गया है जहाँ कृति सेनन, क्षमा चाहूँगा माता सीता, क्योंकि कृति सेनन माता सीता लगती नहीं है, तो कृति सेनन का हरण हो रहा है, तो उसको सीन को रखा गया। क्यों? क्योंकि ये हमारे ओम राउत जी का डायरेक्शन है कि उनके प्रति, माता सीता के प्रति जो उनकी भावना है, इसलिए वो जो है रावण उनको हाथ तक नहीं लगाता, ऐसी जो है अपने किसी मोह माया में मतलब जो भी बंधन में बांध के ले जा रहा है। तो देख रहे हो इस तरह से उनकी भावना है, भले अलग बात है कि किसी प्रकार से दूसरे कैरेक्टर्स में फिर अलग जगह हमें दिखने को नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी उनकी भावना है भाई, क्योंकि वो दिल से उस रामायण को बनाना चाहते हैं। पता नहीं कौन सा रामायण बना रहे हैं, इसमें रामायण कहाँ है कुछ समझ में भी तो नहीं आ रहा है। और ये आखिरी में क्या लिखा था, हर भारतीय की आदिपुरुष की, भाई क्या क्या ये सेंटेंस ग्रामर मेरा सब खराब कर दिया। आदिपुरुष वाले पता नहीं क्या लिख रहे हैं, क्या डायलॉग्स बुलवा रहे हैं, विजुअल का तो पता ही नहीं है। पता नहीं ये लोग करना क्या चाहते हैं भाई, इन लोग को खुद समझ में ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब इतना बात हो ही गया है तो ट्रेलर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ट्रेलर का शुरुआत वही भिक्षा मांगने से होता है जहाँ सीता हरण मतलब कृति सेनन हरण हो रहा है, उसके बाद वही रावण का हल्का फुल्का रुक रिवील होता है, फिर वो रोक देते। क्यों? क्योंकि भैया कहाँ से दिखाएंगे? प्रभास का फिर से हमें एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखने को मिलता है, और वही एक आर चिंपांजी बंदर वाले शॉट्स देखने को मिलता है। लंका में वही हमारे चंद्रग्रहण या सूर्यग्रहण जो भी है वही दिख रहा है, क्योंकि चमगादड़ उड़ते हुए दिख रहे हैं, अंधेरे के सीन्स दिख रहे हैं, और यहाँ तोप के गोले बरसा जा रहे हैं भाई साहब, त्रेता युग में तोप। और यहाँ देखो बंदर भालुओं की तरह लड़ रहे हैं, मतलब राक्षस इतने कमजोर है कि गोरिल्ला के एक पंच से वो मर जा रहे हैं। पता नहीं मेघनाथ और कुंभकर्ण को ये लोग कैसे दिखाएंगे, क्या 3D में दिखने वाला है वो तो भगवान ही जाने। देखते हैं मूवी के साथ क्या होता है, मैं बता रहा हूँ अभी से प्रभास का करियर का वर्स्ट डिजास्टर मूवी होने वाला है, तो बुरा लगा तो माफ करना, लेकिन जय श्री राम।